तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे भाई मतलब ठीक है मतलब उन्होंने लिखा और उनके नंबर बढ़ गए असलियत में बोलनी नहीं चाहिए वाली बात लेकिन ऐसा भी हुआ है कि मतलब नहीं बढ़ने चाहिए थे लेकिन उनके रीज़न जो थे वो इतने कॉन्क्रीट थे टीचर ने टिक लगा के नंबर बढ़ा दिए सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी दिस इज यश एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और भाई आज वाली वीडियो होने वाली है सीबीएसई 2020 रीचेकिंग के ऊपर तो यार क्लास 10th का भी रिजल्ट आ चुका है और क्लास 12th का भी रिजल्ट आ चुका है आज आया है क्लास टेन का रिजल्ट और सीबीएसई ने 12th का भी निकाल दिया था तो भाई आई होप तुम्हारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आया होगा लेकिन अगर अच्छा नहीं आया है या बहुत अच्छा आया और एक सब्जेक्ट में तुम डूब गए हो तो यार एक ऑप्शन तुम्हारे पास होता है रीचेकिंग के लिए देने का तो आज मैं तुम्हें पहले ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा जो सीबीएसई ने रिलीज किया है ट्वेंटी ट्वेंटी वाले कैंडिडेट्स के लिए रीचेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है तो वीडियो को पूरा देखना है यार और लाइक करो वीडियो को नीचे कॉमेंट करके बता दो अपनी परसेंटेज या किसी सब्जेक्ट में कम रहे हैं मार्क्स तो मैं देख लूंगा यार और यार अगर कोई भी डाउट आता है रीचेकिंग से रिलेटेड सीबीएसई से कोई भी जनरल डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एट याच जी डबल यहाँ पे हैंडल फ्लैश हो जाएगा देख लेना मैं भाई एक एक डीएम का जवाब देता हूँ कोई डीएम नहीं छोड़ा जाएगा तो कोई भी दिक्कत हो तो वहां जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और यार अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो तो कॉलेज रिव्यूज करता हूँ जनरली मैं टॉप आई के आई आई बॉम्बे मद्रास सब कुछ किया हुआ है मैंने कानपुर खड़गपुर भी किया हुआ है

ठीक है तो इस तरीके से सिस्टम चलता है सीबीएससी के अंदर तो वॉट दे विल डू इज कि वो सारी टोटलिंग चेक करेंगे तुम्हारी की ठीक है जो भी ब्लॉक्स में तुम्हें सारे मार्क्स मिले हुए हैं ना उन सबको ऐड करके जो फाइनल तुम्हारा टोटल स्कोर बना है वो सही लिखा है या नहीं लिखा ठीक है तो ये काम होता है तुम्हारा रीटोटलिंग के अंदर मतलब ये जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है जिसके फाइव हंड्रेड रुपीज तुम पे कर रहे हो इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है इसके अंदर कि तुमने जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उसमें तुम्हें मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले जैसे अगर किसी बॉक्स में ऐसे क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस का मतलब होता है यार कि उसके तुम्हें क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिले क्योंकि तुमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो वहां पे जाके वो पूरी शीट में ढूंढेंगे वो वाला आंसर अगर तुमने वो उसे अटेम्प्ट किया हुआ है और वो अनचेक्ड रह गया है फॉर सम रीजन तो उसको चेक करके यार वो उसके मार्क्स बढ़ा देते हैं तुम्हारे तो ये तो चीज होती है यार वेरिफिकेशन में अब भाई अगला नंबर आता है ऑप्टेनिंग फोटोकॉपी का पहले वेरिफिकेशन के लिए तुम अप्लाई करोगे पांच सौ रुपए देने पड़ेंगे जब तक ये सिक्वेंशियल होते हैं सारे स्टेप जब तक तुम पहला स्टेप पूरा नहीं करते जब तक तुम सेकंड स्टेप पे मूव नहीं कर सकते तो जब तुम्हारी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फेल हो जाती है मतलब एट्टी एट से तुम्हारे मार्क्स नाइनटी फाइव हो गए अगर तो ठीक है डन हो गया और अगर तुम्हारे एट्टी एट पर ही रह गए मार्क्स तो तुम्हारे पास मतलब क्या है कि तुम कह रहे हो कि नहीं रीटोटलिंग में तो कोई गलती नहीं है लेकिन मैं अपनी आंसर शीट देखना चाहूंगा फिर देखूंगा कि टीचर ने कैसे मार्क्स दिए और फिर मैं अपील करना चाहता हूं तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें सात सौ रुपए देने पड़ते हैं और तुम्हारी जो आंसर शीट है वो तुम्हें ई कर दी जाती है तो अब इसमें क्या है ऑप्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर शीट इसके लिए तुम्हें अप्लाई करना होगा फर्स्ट ऑगस्ट से सेकंड ऑगस्ट को ठीक है ये एक दिन की विंडो होती है तो जब मैंने किया था यार तो बिल्कुल मैंने डेडलाइन से पाँच मिनट पहले ही सबमिट किया था मेरे को याद नहीं रहा था और ये वाला जो सिस्टम है ना यार इसमें क्या होगा कि जब तुम अप्लाई कर दोगे तुम इससे सहमत नहीं हो तुम्हें लग रहा है मेरे मार्क्स तो आने चाहिए थे बहुत ज़्यादा और इन्होंने कुछ भसड़ मचाई है सी वालों ने जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए हैं तो यार फिर ये ऑप्टेनिंग फोटो वाला प्रोसीजर होता है इसके अंदर तुम्हें ई मेल आ जाएगी तुम्हारी और तुम अपने आंसर चेक कर सकते हो और तुम री के लिए अप्लाई कर सकते हो रीवैल्यूएशन में क्या है यार देखो सिक्स ऑगस्ट से सेवेंथ ऑगस्ट तक होगी रीवैल्यूएशन तो इस वाले पीरियड के बीच में सेकंड से सिक्स ऑगस्ट के बीच में तुम्हें तुम्हारी आंसर शीट ईमेल पर आ जाएगी और फिर रीवैल्यूएशन में क्या चीज होती है यार रीवैल्यूएशन में आ, सारे क्वेश्चन का कॉलम बनाया होता है सी वाली वेबसाइट पर और उसमें क्या होता है तुम्हें क्लेम करना होता है कि ये जो आंसर तुमने लिखा है अपने आंसर शीट में ये सही है इतने मार्क्स तुम्हें मिले हैं इतने होने चाहिए और उसके आगे उसका रीजन ठीक है ऐसे बड़ा सा डिब्बा सा बना होता है और उसमें यहाँ पे तुम लिखोगे कि क्वेश्चन वन के लिए मैं क्लेम डाल रहा हूँ फिर यहाँ लिखोगे कि तुम्हें इतने मार्क्स मिले जैसे चार मिले हुए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें चाहिए पांच और उसके बाद यहाँ पे तुम लिखोगे रीजन बड़ा बड़ा कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो सीबीएससी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है मैंने तो सही लिखा है लेकिन टीचर ने पता नहीं क्यों चार नंबर दे दिए तो ठीक है इस तरीके से तुम्हें रीवैल्युएशन का होता है इसमें जो रीजन वो काफी स्ट्रॉग होना चाहिए तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पे भाई मतलब ठीक है मतलब उन्होंने लिखा और उनके नंबर बढ़ गए असलियत में बोलनी नहीं चाहिए वाली बात लेकिन ऐसा भी हुआ है कि मतलब नहीं बढ़ने चाहिए थे लेकिन उनके रीज़न जो थे वो इतने कॉन्क्रीट थे टीचर ने टिक लगा के नंबर बढ़ा दिए तो वो वाली चीज़ भी यार तुम्हारे साथ हो सकती है तो थोड़ा देख लेना अगर तुम बिल्कुल पॉइंट पर अटक रहे हो मैं कह रहा हूँ सेवेंटी आ गए जे देना है सेवेंटी का क्राइटेरिया है तो तुम यार कर सकते हो मतलब बहुत सेफ है क्योंकि से भी हो जाते है यार तो से अगर जे पूरा निकलने का हो जाता है तो तुम्हें इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए नहीं अप्लाई करना पड़ेगा तो ये काफी सही चीज होती है रीवैलुएशन सिक्स सेवेंथ से ऑगस्ट की होगी यही यहाँ पे ये वाली जो विंडो है काफी बड़ी है। ठीक है चार पांच दिन की पूरी विंडो है तुम्हारे पास लेकिन ये वाली जो विंडोज है ये बहुत छोटी है सिर्फ दो दिन है यहाँ पे और यहाँ पर भी हमारे पास दो दिन है तो इसके लिए तुम्हें आराम से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे मिलेगा लेकिन यहाँ पे तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलने वाला है तो इसके लिए तो ठीक है ये मतलब कर सकते हो तुम सब में मत डालना भाई जिसमें कम लगे कि अगर तुम्हारे आए हैं नाइन्टी फाइव 90, नाइन्टी नाइन्टी टू और एक पेपर में आ गए तुम्हारे सेवेंटी टू तो इस पेपर में डाल लेना इसमें हो सके तो मत डालना नाइन्टी वाले में भी डाल सकते हो लेकिन फिर अब उसके अंदर क्या है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे तो यार सौ ही आने थे इसके अंदर नाइन्टी पता नहीं कैसे आ गए अगर इतने कॉन्फिडेंट हो तो ही यार इसमें डालना मतलब नाइन्टी या नाइन्टी से ऊपर मिल लेना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं मार्क्स ठीक है तो अगर तुम्हारे यार इससे थोड़े से नीचे हैं जैसे नाइनटी रहे तुम्हें 100 थे तो तुम डाल देना तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि नाइनटी नाइन आएंगे और नब्बे आए हैं तो भी तुम इसे रीचेकिंग के लिए अपना पेपर डाल सकते हो तो यार आगे मैं थोड़ी सी और गाइडलाइंस बता देता हूं जो इनका सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस आया फोर्टीन जुलाई को ठीक है तो इससे तुम्हें थोड़ा और आइडिया लग जाएगा चीजों का तो अब इन्होंने सबसे पहले ये लिखा है कि जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट होगी सी बी एस डॉट डॉट इन पर तुम अप्लाई कर सकते हो स्केड्यूल के वक्त ही होगी ये ठीक है थीके? जो स्केड्यूल उन्होंने दे रखा है और ऑफलाइन मोड में कोई नहीं है रीचेकिंग e ऑनलाइन ही करना पड़ेगा जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उसको तुम्हें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से देना पड़ेगा ठीक है ऑफलाइन ये नहीं होगी कि पोस्टल ऑर्डर भेज दिया और मैंने तो डिमांड ड्राफ नहीं चलेगा ऑनलाइन ही तुम्हें करना पड़ेगा ये वाला काम फिर तीसरी चीज ये लिखी कि इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे अगर तुमने सीधा भाई अपने ये ये क्लेम डाल दी और रीजन ही नहीं लिख रहे तुम तो वो ऐसी तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ईच स्टेप ठीक है ये नहीं कि तुम मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट कर दो मल्टीपल बार रिक्वेस्ट डाल दो तो वो चीज नहीं चलने वाली है और पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्ड ियंस टू द कैंडिडेट कॉन्सिक्वेंट टू द रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन कम्युनिकेशन फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल इसका मतलब क्या है अगर तुमने अप्लाई किया कि मेरे तो एट्टी सेवन थे मार्क्स और वो एट्टी सेवन से एक्चुअली सेवेंटी फाइव हो जाते हैं किसी वजह से तो उसमें बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और जो उनका डिसीजन है वो फाइनल है तुम तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते दूसरी चीज़ ये कि अगर तुमने कॉलेज एडमिशन्स तुम्हारी डेडलाइन है जैसे अगर सेप्टेम्बर की और तुमने जो इनका रिजल्ट है आना जो फाइनल मार्कशीट है किसी वजह से नहीं दे पाते हैं वो लेट हो जाती है और तुम्हारा एडमिशन रुक जाता है तो उसमें भाई इनकी गलती नहीं होगी दे वोंट बी रिस्पॉन्सिबल यू कांट पुट अ लॉ सूट और कह सकते हो कि मेरा कॉलेज एडमिशन रोक दिया ये चीज़ नहीं होगी इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि डिक्रीज इवन बाय वन Shall be affected, है? तो सब कुछ जो ऑफिशियल हाँ, तो मिली थी अपनी क्लास ट्वेल्व की वो वापिस दी थी फिर छह घंटे उन्होंने मेरे को अपने नई मार्क्सिट यार्लास ट्वेल्थ की मिली थी और इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि जो आउटकम होगा वेरिफिकेशन और ईवेलुएशन को फ़ाइनल एंड बाइंडिंग है उसको चेंज नहीं हो सकता इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट का स्टेटस जो है वो कम्पार्टमेंट में चेंज हो जाता है आफ़्टर वेरिफिकेशन ठीक है मतलब मार्क्स आए थे चालीस और तुमने कंपार्टमेंट लगवा लिया अपने बढ़ाने के चक्कर में बीस रह गए वो नंबर तो कैंडिडेट जो है उसको अलग से एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन uh, के लिए ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है यार इतना भाई गंदा नहीं है अपना सी बी एस सी बोर्ड के बच्चे के कंपार्टमेंट ही लगा देगा तो चिंता मत करना इसके बाद यार ये लिखा है प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल पैसे तुम्हारे चले गए तो चले गए कोई रिफंड नहीं आने वाला तुम दस क्वेश्चन पे क्लेम मार दो या सौ क्वेश्चन पे क्लेम मार दो ठीक है वो कुछ वापस नहीं देने वाले तो मैंने जैसे सौ रुपये है एक क्वेश्चन की तो मैंने सो ही है ना रुक जाओ हाँ सौ रुपये है पर क्वेश्चन की तो मैंने जो है अपने केस में यार छ क्वेश्चन पे मारा था शायद तो मैंने छह सौ रुपये दिए थे और मेरे सारे क्लेम्स पास हो गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ रिफंड नहीं किया ये इन्होंने पहले ही अपने नोटिस में लिख दिया इसके बाद इन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में बताया तो इन्होंने कहा कैसे वो वेरिफिकेशन का कम्युनिकेट होएगा पाँच सौ रुपये पर सब्जेक्ट मैंने बता दिया है तो फिर इन्होंने कहा है कि रिज़ल्ट ऑफ वेरिफिकेशन सी बी एस सी वेबसाइट पर आएगा अगर कोई मार्क्स में चेंज आता है तो एक लेटर पहुँच जाएगा तुम्हारे पास स्पीड पोस्ट और उसमें तुम्हें बता देगा ताकि उसको तुम यूज़ कर सको अपने कॉलेज एडमिशन्स में जब तक यू डोंट गेट एन ऑफिशियल मार्क्शीट इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि अगर मार्क्स में चेंज नहीं होता तो लेटर नहीं भेजा जाएगा कोई भी लेकिन उसे सीबीएससी की वेबसाइट पर तो मैं दिखा दिया जाएगा तो मेरे केस में कोई लेटर नहीं आया था इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिटिबी एस सी वेबसाइट ठीक है तो बार बार चेक करते रहना एकदम से आ जाता है उसमें ऐसे अंडर प्रोसेस अंडर प्रोसेस दिखाता रहेगा और एकदम से भाई तुम्हारे ऊपर बम फूटेगा और तुम्हारे नंबर भर सकते हैं घट सकते हैं या नो चेंज भी उसमें हो सकता है इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि ओनली दो कैंडिडेट्स जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है वही फोटो ले सकते हैं तो यार सीधा ये मत सोच के बैठ

तो अकाउंट पे से डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और वो तुम्हारी पीडीएफ के फॉर्म में आ जाती है फाइल लेकिन उसमें जो भी एग्जामिनर की इन्फॉर्मेशन है उस पर ऐसे व्हाइट कलर से फ्लूड लगाया होता है उन्होंने तो तुम उसे पहचान नहीं सकते ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कोई हाई इन्फ्लुएंसियल पर्सन है तो वो एग्जामिनर को मतलब ड्राइव वगैरह करके चीज़ें चेंज करवा सकता है या भाई थोड़ा मतलब गुंडे वे कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें हो सकती है मतलब तुम समझ रहे हो तो उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये वाला जो रूल है ये निकाले कि जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होगी इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि अगर कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड तो उसको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा रिवैल्युएशन ऑफ मार्क्स के लिए फाइनली आ जाता है रीवैलुएशन ऑफ एवेलुएटेड आंसर बुक्स पे तो इस पर इन्होंने ये लिखा है कि ओनली कैंडिडेट्स वो एव अप्लाइड फॉर ऑप्टेनिंग फोटो कॉपी ठीक है फिर से अगेन जब तक तुम फोटो कॉपी के लिए अप्लाई नहीं करते जब तक तुम सीधा चैलेंज करने नहीं आ सकते सौ रुपये पर क्वेश्चन के लिए और पहली बात भाई तुम फिर चैलेंज कैसे करोगे जब तक तुमने फोटो कॉपी देखी नहीं है तो तब तक तुम कैसे बताओगे कि इसमें तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि थ्योरी पोर्शन के लिए ही है ये जो है ठीक है प्रैक्टिकल्स वगैरह में तो कुछ नहीं हो सकता

कुछ भी भाई क्लेम नहीं कर सकते नंबर बढ़े घटे जो भी होगा तुम कुछ क्लेम नहीं कर सकते तो यार मतलब मेरा पॉइंट यह है कि एक बार जब तुम्हारी रीवैल्यूएशन हो गई है ना तो फिर जो सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा जो रीच कौन सा स्टेप है ये वाला जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला ये हो गया है तो उसके बाद ना तुम्हारे नंबर कम नहीं हो सकते टेक्निकली उसके बाद बढ़ते ही हैं या सेम रहेंगे वो क्लेम रिजेक्ट होएगा या एक्सेप्ट होएगा ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे नंबर तुमने भाई कहा कि चार दे रखे पांच नंबर वाले में काट के दो कर देगा ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं होती है मेरे सुनने में कभी भी नहीं आई है ये चीज किसी दोस्त के साथ नहीं हुई है तो यार अगर तुम्हारे इसमें वेरिफिकेशन में नहीं भी बढ़ते हैं मार्क्स तो इज नो हार्म इन अपलाइंग फॉर द आंसर बुकलेट और जो क्वेश्चन के लिए तुम क्लेम कर रहे हो इफ यू कैन अफोर्ड इट ठीक है अमाउंट बार बार बढ़ा है पांच सौ रुपए पहले दे दिए फिर सात सौ रुपए दे रहे हो फिर सौ रुपए एक क्वेश्चन के ले लें ये लोग तो जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है बट इफ यू कैन अफोर्ड इट तो कोई हार्म नहीं है करवाने में क्योंकि यार फिर मार्क्स तुम्हारे या तो बढ़ेंगे या सेम रहेंगे वो वाली चीज है और बस इसके बाद लास्ट में यार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन है तो यार ये वीडियो तुम्हें तो पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक करो ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कोई दोस्त तुम्हारा भाई उदास हो गया बहुत ज्यादा कि नंबर वंबर नहीं आए तो उसके साथ शेयर कर दो अपने भाई व्हाट्सएप पे क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दो हर जगह मचा दो इसका शेयर कोई भी डाउट बचता है रीचेकिंग का भाई पूरा पता है तुम्हारे भाई तो प्रोसीजर तो मेरे को बता देना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना एट जीज़ मेरा हैंडल है वहां पे मैसेज कर देना सारे डीएम्स का रिप्लाई होता है कोई डीएम नहीं छोड़ा जाएगा ठीक है और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार जो भी रीचेकिंग से नया अपडेट आता है मैं तुम्हें बताने के लिए भाई सबसे पहले आ जाऊंगा कोई दिक्कत की बात है ही नहीं उस चीज के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना इसी के साथ यार ये वाली जो वीडियो है सीबीएसई रीचेकिंग ट्वेंटी पे खत्म हो जाती है आई होप तुम्हें पूरा जो सीबीएसई ने नोटिस निकाला है वो समझ आ गया होगा सेवेंटीन जुलाई को यार ये जो है सीबीएसई री का ड्रॉप होएगा तुम्हारे ऊपर बॉम्ब एकदम से और तुम अपने लिए अप्लाई कर सकते हो ट्वेंटी फर्स्ट तक की तुम्हारे पास टाइम है तो अच्छे से सोच लो डिस्कस कर लो अपने पेरेंट्स के साथ और भाई उदास नहीं होना यार जिंदगी में जो रिजल्ट आ गया आ गया दीज रिजल्ट डोंट मैटर इन द लॉन्ग रन दे कैन गिव यू अड स्टार्ट गेट गेट यू इन टू तो अ बेटर कॉलेज बट दे वोंट एक्चुअली मैटर इन द लॉन्ग रन इस चीज़ को याद रखेंगे कोई भी प्रॉब्लम फेस कर करेगा यार प्लीज मेरे को ई करो टॉक टू याशगर एट जी मेल डॉट कॉम आई ट्राई टू हेल्प यू वहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठीक है फिर से बोल रहा हूं मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना एट या बाकी सारे सोशल हैंडल्स देख लो देखने हैं तो और मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में जिंदगी में भाई मचाते रहना एंड इट्स अ अप बाय